सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। तेलंगाना मुक्ति दिवस के मौके पर हैदराबाद में गृह मंत्री ने की समारोह की शुरुआत, परेड ग्राउंड पहुंच दी श्रद्धांजलि। पुणे में नवरात्रि पर विशेष तंत्र शिविर के विज्ञापन से युवाओं को भरमाया बवाल मचने पर FIR। कुलपति की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भड़के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, बोले मुख्यमंत्री अपनी बातों पर कायम नहीं रहते। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में केरल में उमड़ी भीड़, मां अमृतानंदमयी नई ने लिखा आशीर्वाद। अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, बोले अगले स्वतंत्रता दिवस पर हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन शुरू होगी। पीएम मोदी ने बर्थडे पर पूनो में छोड़े चीते, नए घर में सहमते हुए रखे कदम, मोदी बोले इन मेहमानों को देखने के लिए धैर्य रखें। उज्जैन में पोहा फैक्ट्री में आग, तीन महिलाएं जिंदा जली, एक अन्य महिला मजदूर घायल, शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा। राहुल गांधी का मोदी पर वार, कहा दुनिया का दूसरा सबसे एक शख्स पीएम घनिष्ठ है तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में खत्म किए 13,147 पुराने अपंजीकृत मामले, 8 साल से भी अधिक वक्त पहले किए गए थे दायर। डबल इंजन सरकार की मेहरबानी, सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में जाने पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली में आप विधायक अमनतुल्ला गिरफ्तार, ACB के छापे में बिना लाइसेंस की पिस्टल और 24 लाख कैश मिले। कैप्टन 19 को बीजेपी में शामिल होंगे, अपनी पार्टी का भी विलय करेंगे, पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है भाजपा। भगवान का वरदान है पीएम मोदी, प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। फॉक्सकॉन विवाद पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है गुजरात। समय पर EMI नहीं चुका पाए किसान तो ट्रैक्टर उठाने आई फाइनेंस कर्मियों ने गर्भवती को कुचला, मौत हो गई। पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी की भाजपा की तैयारी, सीएम योगी नमो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। फरुखाबाद में मैकेनिक की गोली मारकर हत्या, भट्टे के पास पड़ा मिला शव, पास में पड़ी थी बाइक। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक की हत्या, रिक्शा लूटने के विरोध पर चाकू मारा, लाश बोरी में डालकर फेंकी। सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी, प्रयागराज के मेयोराबाद चौराहे पर विवाद के बाद रिवाल्वर और डंडे निकले।
मुजफ्फरनगर में करंट लगने से किशोर की मौत, पशुओं के लिए चारा काटते समय मशीन में उतरा करंट लगा। सब्जी पर टॉयलेट करके बेचने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार, बरेली में लोगों ने पीटकर पुलिस को सौंपा। सीतापुर में दो अवैध क्लिनिक संचालकों पर केस दर्ज, अवैध रूप से मरीजों का कर रहे थे इलाज। शाहजहांपुर में बाघ दिखने से दहशत, कार सवार युवकों ने बनाए वीडियो, वन विभाग ने एहतियात बरतने की अपील की। उन्नाव में स्क्रैप कारोबारी के घर में चोरी, नकदी और जेवर समेत 20 लाख का माल पार, नौकर ने दी मालिक को जानकारी। बदायूं में मादक पदार्थ के हुक्का बार संचालक को पुलिस ने किया अरेस्ट, टीनेजर्स को कश लगवाता था। इटावा में बच्चे की मौत पर जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लगाए लापरवाही का आरोप। गंगा के कटान से परेशान क्षेत्रवासी, सिंचाई विभाग ने स्टड बनाने शुरू किए, चारे का भी खड़ा हो रहा है संकट। प्रयागराज में नदी किनारे मिले 100 से अधिक मृत सुअर, वीडियो सामने आने के बाद जागा नगर निगम प्रशासन। हाथरस के पीएनबी में 15 घंटे तक चली रेड, नो ड्यूज देने के नाम पर शाखा प्रबंधक ने मांगी थी घूस। रिश्वत लेते हुए पुलिस कर्मियों का वीडियो वायरल, 50,000 की डिमांड, 20,000 में छोड़ा, 4 पुलिस कर्मी सस्पेंड। कन्नौज में राशन लदे 3 ट्रक सीज, सरकारी राशन के 1,120 पैकेज भीगे, ट्रक के कागजात नहीं दिखा सके चालक। कुशीनगर में गन्ने के खेत में पास मिला शव, कुशीनगर में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पुलिस को दी सूचना। जौनपुर में एमएलडी से अधिक सीवेज, करोड़ रुपए का जुर्माना, एनजीटी ने प्रदूषण पर उचित प्रबंध न करने पर जौनपुर पर लगाया जुर्माना। पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी पर झोंका फायर, लखीमपुर खीरी से पीलीभीत गया था मिलने। जालौन में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए निकाली रैली, डीएम बोली कोई भी बच्चा दवा पीने से ना छूटने पाए। फतेहपुर की किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म, अपहरण कर लुधियाना ले गया फैक्ट्री मालिक। फरुखाबाद डंपर की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, देर रात इटावा बरेली हाईवे पर हुआ हादसा, 3 घायल। हमीरपुर में छापेमारी में 150 टन सरकारी खाद्यान्न पकड़ा, 2 गोदामों को एसडीएम ने किया सील। मथुरा में व्यापारियों का प्रदर्शन, बांके बिहारी मंदिर की गलियों में डिवाइडर लगाने का किया विरोध। पत्नी के प्रेमी की मां भांजी को जिंदा जलाए, 2 लोगों के साथ प्रेमी के घर पहुंचा और पेट्रोल डालकर लगा दिया आग।
लखीमपुर में युवती की पीट पीट कर हत्या, मां बोली दिन दहाड़े घर में घुसे दो युवक, बेटी से रेप का प्रयास किया। सहारनपुर में दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम एक घंटे में बुझाई आग, 70 लाख का सामान जला। मिर्जापुर में पांचवें दिन पेड़ से नीचे उतरा लालव्रत, गांव के मास्टर के समझाने पर नीचे उतरा, परिजन की पिटाई के डर से पेड़ पर चढ़ रहा था। आगार में बारिश और प्रशासन की अनदेखी, शव को एक साथ 12 लोगों को देना पड़ा कंधा, शमशान का रास्ता बना दलदल। प्रयागराज में सपा ब्लॉक प्रमुख की फिर संपत्ति हुई कुर्क, बाहुबली अति का रिश्तेदार गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर जेल में है बंद। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारी बारिश के बीच बलिदानियों की आवाज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी की साफ सफाई। उत्तराखंड में बुखार से पीड़ित बच्ची को अस्पताल ले गए स्वजन, तन्ने स्टाफ ने किया नहीं इलाज, कहा नींद खराब कर दी। उत्तराखंड में स्कूल से लौटने के बाद मनपसंद खाना नहीं मिला तो गुस्से से आग बबूला हुई किशोरी, दे दी अपनी जान। उत्तराखंड में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे प्रदेश कार्यकारिणी का अध्यक्ष का मनोनयन, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित। उत्तराखंड में नशे पर लगेगा अंकुश, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गठित की, होगी सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड में डेंगू के 48 नए मरीज मिले, अब तक प्रदेश में 464 लोगों की हो चुकी है पुष्टि। चारधाम यात्रा के लिए होटल और हेली बुकिंग करवाने वाले सावधान, पुलिस ने ठग को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के देहरादून में अवैध शराब के गोदाम का पर्दाफाश, हरियाणा ब्रांड की 113 पेटियां जब्त। उत्तराखंड में वन दरोगा भर्ती गड़बड़ी में 9 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, पहले 3 आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार। हल्द्वानी रुद्रपुर क्लस्टर से रुद्रपुर नगर निगम ने वापस लिया नाम, कंपोस्ट प्लांट निर्माण पर पड़ेगा इसका असर। उत्तराखंड में बारिश के दर के पहाड़, चंपावत में शारदा उफान पर घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले 24 घंटे भारी बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी आशंका। उत्तराखंड में सरकार पर लगातार हमलावर विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष ने कहा मामले में सरकार 2 दिन का विशेष सत्र बुलाए। उत्तराखंड में ससुराल में दामाद की संदिग्ध मौत, शव दफनाने की थी तैयारी, मौके पर पहुंचे पुलिस तो उठे कई सवाल। उत्तराखंड में शांति कुछ प्रमुख के खिलाफ साजिश में पंजाब की महिला गिरफ्तार, दर्ज कराया था दुष्कर्म का मुकदमा। नेपाल में बड़ा हादसा, भूस्खलन के कारण 13 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 लापता, 10 को बचाया गया।
बाइडेन बोले समुदाय के खिलाफ घृणा अपराध को जगह नहीं। ट्रंप ने हिंदी में गड़े भारत अमेरिका दोस्ती के नारे। इमरान खान का शहबाज सरकार पर तीखा हमला, कहा पाक को अराजकता से बचाने के लिए जल्द चुनाव एकमात्र उपाय। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष में 200 सैनिकों की मौत, सीमा पर तनाव बरकरार। रूस की अमेरिका को रेड लाइन पार न करने की चेतावनी, का यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दी तो बढ़ सकता है तनाव। मिनट बाद की पीएम बोले आज का युग युद्ध का नहीं, हम चाहते हैं कि यूक्रेन से जल्द खत्म हो जंग। चीन के चांगशा में 42 मंजिल इमारत में लगी आग, 36 फायर टेंडर और 280 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, कोई हताहत नहीं। महारानी को श्रद्धांजलि देने वाली की लगी 8 किलोमीटर लंबी लाइन, 14-14 घंटे के इंतजार बाद आ रहा है लोगों का नंबर। अफगानिस्तान में छिपा है आतंकी मसूद अजहर, एससीओ में जाते जाते तालिबान को बलि का बकरा बना गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजराइल का हवाई हमला, 5 सैनिकों की मौत, दमिश्क एयरपोर्ट को बनाया निशाना। चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी का शिकंजा, पेटीएम, रेजर पे, कैश फ्री और इस बस के 46.67 करोड़ रुपए जब्त किए। रियलमी GT Neo 3 के 3 वेरिएंट लॉन्च, 80 वॉट सुपर डॉट चार्जर, 12 मिनट में चार्ज होगी 50% बैटरी। ₹799 में स्वाट एयर लाइट का 005 लॉन्च, वायरलेस एयरबड्स में मिलेगी फास्ट कनेक्टिविटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बाबा रामदेव 5 साल में 1 लाख करोड़ पहुंचेगा पतंजलि का टर्नओवर। सोने चांदी की गिरावट जारी, 49,000 के करीब आया सोना, चांदी 56,000 के नीचे आई। वीवो V25 के 2 वेरिएंट लॉन्च, 5G स्मार्टफोन की कीमत 27,999 से शुरू, 64 MP नाइट विजन ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली 45 दिनों में चुकाए MSME का बकाया, समय पर भुगतान नहीं कर रही है कंपनियां। बैंकों में चिप संकट, गिरोह बनाकर ठग रहे कार्ड विक्रेता, IBI ने कहा प्रतिस्पर्धा आयोग करे जांच। घरेलू कच्चे तेल पर सरकार ने घटाया विंडफॉल टैक्स, डीजल और ATF का निर्यात होगा सस्ता। चिदंबरम का वित्त मंत्री सीतारमण पर तंज, वे साधारण परिवार का प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल भी नहीं करती। भारतीय पत्रकार के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, रमेश राजा ने खुद सामने आकर दी सफाई। शोएब अख्तर ने विश्व कप के लिए चुनी गई पाकिस्तानी टीम पर साधा निशाना, पाकिस्तान कहीं पहले राउंड से ही बाहर न हो जाए।
सुरेश रैना ने किया अपनी बेटी के साथ जिम वीडियो पर नेटिजंस ने जमकर लुटाया प्यार। पृथ्वी शॉ ने सेलेक्टरी को भेजा रिमाइंडर, इनिंग क्रिकेट में जड़ा वनडे स्टाइल में शतक। रोहित और विराट को आउट करो मतलब आधी टीम इंडिया पवेलियन में, असगर अफगान ने किया रणनीति का खुलासा। शमी की वर्ल्ड कप टीम में हो सकती है एंट्री, बीसीसीआई ने ऑप्शन खुला रखा, 10 अक्टूबर तक हो सकता है आखिरी फैसला। T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की टीम घोषित, दासुना शनाका को मिली कमान, दुष्मंता चमीरा और लाहिरुआ कुमारा को भी मौका। संजू सैमसन करेंगे इंडिया ए की कप्तानी, शार्दुल ठाकुर और उमरान की भी टीम शामिल, न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 सितंबर को मैच। पंजाब किंग्स ने अनिल कुंबले की जगह ट्रेवर बोलिस को बनाया हेड कोच, इंग्लैंड को बनाया था चैंपियन। साउथ अफ्रीका के मार्क बाउच को मुंबई इंडियंस ने बनाया कोच, रोहित शर्मा के साथ मिलकर करेंगे काम। ब्लैक लुक में ट्विनिंग करते दिखे रणबीर आलिया, चेहरे पर दिखी ब्रह्मास्त्र के बॉक्स ऑफिस सक्सेस की खुशी। कंगना रनौत ने पीएम नरेंद्र मोदी को किया बर्थडे विश, नोट शेयर कर लिखा, आप राम और कृष्ण की तरह अमर हैं। वरुण शर्मा ने लगाई सोनाक्षी जहीर के रिश्ते पर मोहर, कपल की फोटो शेयर कर लिखा, इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर जोड़ी। ड्रीम गर्ल 2 की हुई घोषणा, आयुष्मान खुराना के साथ नजर आएंगे अनन्या पांडे, अगले साल ईद में होगी रिलीज ये फिल्म। ब्रह्मास्त्र 300 करोड़ क्लब में शामिल, आलिया की पहली तो रणबीर की तीसरी फिल्म जिसकी कमाई इतनी ज्यादा। धनश्री वर्मा का थ्रोबैक वीडियो वायरल, टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन के साथ किया भांगड़ा, फैंस ने की तारीफ। रणवीर सिंह ने नए फैंस के साथ ली सेल्फी, संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर हुए स्पॉट। मुनव्वर फारूकी का गर्लफ्रेंड नाजिला से नहीं हुआ है ब्रेकअप, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताई सच्चाई। रायपुर पहुंची स्वरा भास्कर, पंडरी हॉट में शॉपिंग की चरखा चलाया, बोली छत्तीसगढ़ में तो सब बेहतरीन है। रिलीज के पहले विवादों में फंसी थैंक गॉड, अब कुवैत सेंसर बोर्ड ने लगाया फिल्म को बैन, 24 सितंबर को होगी रिलीज ये फिल्म। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं